कठिवाड़ा में डोल ग्यारस के पावन अवसर पर भगवान बाल गोपाल को डोल में विराजमान कर शोभा यात्रा निकाली गई। कठिवाड़ा बस स्टैंड पर स्थित राधा कृष्ण मंदिर से ढोल धमाके के साथ भगवान बाल गोपाल की झांकी मेन बाजार से होते हुए हवेली खेड़ा नदी पर पहुंची, जहां पर कठिवाड़ा नगर के व्यापारी श्री धूल चंद जी राठौर द्वारा भगवान बाल गोपाल का नदी में स्नान करवाया गया। ढोल धमाके के साथ महाआरती का प्रसाद वितरण किया। आपको बता दें कि कठिवाड़ा में डोल ग्यारस के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष रथ यात्रा बैंड बाजे के साथ धूमधाम से निकाली जाती है, लेकिन इस वर्ष कोरोना गाइडलाइन के अनुसार केवल झांकी ही ढोल के साथ निकाली गई। गौरतलब है कि कृष्ण जन्म के 11 दिन बाद माता यशोदा ने उनका जलवा पूजन किया था। इसी दिन को डोल ग्यारस के रूप में मनाया जाता है। जलवा पूजन के बाद ही संस्कारों की शुरुआत होती है। जलवा पूजन को कुआं पूजन भी कहा जाता है। वैसे तो एकादशी तिथि का सनातन धर्म में महत्व माना गया है। इस एकादशी को परिवर्तन एकादशी, जय झूलनी एकादशी, वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कठिवाड़ा से भरत राठौड़ की रिपोर्ट।